पिता जेल में, भाई नशे। इधर बेटी ने बजा दिया सफलता का डंका, प्रदेश में टॉप कर बेटी ने धोया परिवार का कलंक। पिता चुनता था कबार, तब होता था घर के खर्च का जुगाड़, अब छोटी सी उम्र में बेटी ने हासिल की वो सफलता जो बन गई मिसाल। 3 साल से नहीं देखा बाप ने अपनी बेटी का चेहरा, भावुक कर देगी सानिया की सफलता की कहानी। सानिया की सफलता देख पिघला दुर्ग के एसपी का दिल, फिर एसपी ने किया वो काम जिससे बाप बेटी के चेहरे पर आ गया मुस्कान। पिता दिन भर कबार चुनता, शाम में रिक्शा चलाता, तब रात में घर के खर्च का जुगाड़ होता। इस जुगाड़ में भी बेटा पिता के पैसों से नशाबाजी करता, कितनी रात को बेटी और माँ को भूखे सोना पड़ता। फिर एक दिन पिता जेल चला गया, 3 साल बीत गए, बेटी ने अपने पिता का एक बार चेहरा तक नहीं देखा। अब जब बेटी ने प्रदेश में टॉप रैंक हासिल किया तो जिले के एसपी खुद बेटी को अपने साथ लेकर हवालात पहुंचे, जहां बाप और बेटी की मुलाकात हुई। अब आगे जो हुआ वो आपको भावुक कर देगा। सानिया के सफलता की कहानी हम जाने, और उससे पहले जान लेते हैं सानिया ने कितने अंक हासिल किए। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो और इरादे नेक, वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति से लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सानिया मरकाम ने ऐसा कर दिखाया। सानिया मरकाम ने 10वीं क्लास में टॉप कर अपने परिवार पर लगे कलंक को धो डाला है। सानिया मरकाम ने बोर्ड की परीक्षा दी थी, जब रिजल्ट आया तो उसने 10वीं क्लास में टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उसका नाम 7वां स्थान पर है। सानिया को 97.33% अंक मिले हैं। सानिया ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। पिता और भाई जेल में है, घर की स्थिति काफी खराब है, इसके बाद भी सानिया ने हार नहीं मानी। कठिनाइयों और परेशानियों से लड़कर छोटी सी बच्ची ने जो सफलता पाई है, उसने आज पूरे प्रदेश में मिसाल कायम कर दिया है। सानिया की सफलता देखकर दुर्ग जिले के एसपी अभिषेक पल्लव का भी दिल पिघल गया। एसपी खुद टॉपर से मिलने पहुंचे, उसे शुभकामनाएं दी और फिर सानिया को लेकर हवालात पहुंचे, जहां 3 साल बाद अपने पिता को देख सानिया रो पड़ी। पिता को जब अपनी बेटी की सफलता की कहानी पता चली तो वो भी रोने लगे। इस पर एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा, बेटे ने घर पर कलंक लगाया और बेटी ने उस कलंक को धो दिया। बेटा दिन भर नशा करता है, चाकूबाजी करता है, लेकिन बेटी ने पढ़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। इस दौरान जेल प्रबंधक ने भी टॉपर बच्ची को शुभकामनाएं दी, फिर एसपी ने उसे घर पहुंचा दिया। टॉपर सानिया दुर्ग शहर के पोलसाय पारा में रहती है। पिता का नाम बलराम मरकाम है। पिता कबाड़ चुनकर और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। 3 साल पहले पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट हुई थी। इस मारपीट में एक बच्चे को जान गंवानी पड़ी, जिसका इल्जाम सानिया के पिता के सर पर है। इधर सानिया की सफलता देख एसपी ने कहा कि कोई परिवार अपराधी नहीं होता, यदि परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो उस परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बच्ची ने आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश का मान बढ़ाया है। उसने पिता से मिलने की इच्छा जताई थी, जिस पर मैंने जेल अधीक्षक से बात कर गुरुवार को छात्रा और पिता के मिलने की व्यवस्था कराई। उन्होंने आगे कहा कि बच्ची की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन सहित पुलिस विभाग से जो भी मदद होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा।